90 के दशक में सरकारों के बनने बिगड़ने गिरने और उठने का दौर जारी रहा। गठबंधन की जोड़तोड़ वाली राजनीति ने देश की अर्थव्यवस्था का बंटा धार कर रखा था। उस दौर में अकेले नरसिम्हा राव ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री रहे जो अपना कार्यकाल जैसे तैसे पूरा कर सके, लेकिन उनके सामने भी कई चुनौतियां थी। 1996 में राव की सरकार गई तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, लेकिन अल्पमत में आने के बाद 13 दिनों में ही उनकी सरकार गिर गई। अब जनता दल के सामने फिर वही सवाल खड़ा था कि किसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। प्रधानमंत्री पर हमारी स्पेशल सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने बात की थी देश के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, और आज बात करेंगे देश के 11वें प्रधानमंत्री की जिनका नाम HD देवेगौड़ा। सामाजिक आर्थिक विकास और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के पुरजोर समर्थक रहे HD देवेगौड़ा का जन्म 18 मई 1933 को कर्नाटक के हासन जिले के हरदनहल्ली गांव में हुआ था। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने वाले देवेगौड़ा 20 साल की उम्र में ही अपनी पढ़ाई पूरी करके राजनीति में आ गए थे। आजादी के बाद वो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस में 1953 में शामिल हो गए और 1962 तक इसके सदस्य रहे। मध्यम वर्ग से आने वाले कृषि परिवार के देवेगौड़ा ने किसानों के जीवन की कठिनाइयां बड़े करीब से देखी थी, इसीलिए उन्होंने किसान, वंचित और शोषित वर्ग के लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए हमेशा आवाज उठाई और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती देने के लिए धीरे धीरे राजनीतिक ऊंचाइयां हासिल करने लगे। HD देवेगौड़ा ने हमेशा एक ऐसे समाज का सपना देखा था जहां असमानताओं के लिए कोई जगह ना हो। कांग्रेस से अलग होने के बाद 28 साल की उम्र में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और कर्नाटक विधानसभा तक पहुंचे। विधानसभा में अच्छे वक्ता के रूप में उन्होंने सबको प्रभावित किया। पोलेनारसीपुर निर्वाचन क्षेत्र से वो लगातार 4थी, 5वीं और 6ठी विधानसभा के लिए चुने गए। इसके बाद 22 नवंबर 1982 को उन्होंने 6ठी विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी। 7वीं और 8वीं विधानसभा के सदस्य रहने के दौरान उन्होंने लोक निर्माण और सिंचाई मंत्री के रूप में काम किया और कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की। 1987 में उन्होंने सिंचाई के लिए अपर्याप्त धन आवंटन का विरोध करते हुए मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। स्वतंत्रता और समानता के समर्थक देवेगौड़ा को 1975-76 में इंदिरा सरकार की नाराजगी का सामना करना पड़ा और इमरजेंसी के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1991 में HD देवेगौड़ा हसन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में चुने गए और राज्य के किसानों की समस्याओं को सुलझाने में एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने किसानों की दुर्दशा के बारे में संसद में बुलंद तरीके से आवाज उठाई, जिसके लिए हर कोई उनका कायल हो गया। इसके बाद देवेगौड़ा राज्य स्तर पर 2 बार जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। 1994 में वो जनता दल के अध्यक्ष बने क्योंकि उस साल राज्य में जनता दल की जीत के सूत्रधार वही थे। वो जनता दल के नेता चुने गए और 11 दिसंबर 1994 को कर्नाटक के 14वें मुख्यमंत्री बने। तो अभी तक हमने आपको HD देवेगौड़ा के शुरुआती सफर से सियासी सफर की कहानी का एक पहलू बताया। अब बात उनके सियासी सफर के दूसरे और सबसे अहम पहलू की, वो है उनके देश के 11वें प्रधानमंत्री बनने की कहानी। हालांकि वो CM के तौर पर अपने गृह क्षेत्र में बेहद खुश थे, वो कभी PM नहीं बनना चाहते थे, लेकिन वक्त और हालात ने उनके सामने ऐसी परिस्थितियां बना दी कि उन्हें देश के सबसे अहम पद पर न चाहते हुए भी बैठना पड़ा। ये बात है साल 1996 की। चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी और जनता दल ने तमाम छोटे बड़े सियासी दलों को साथ लेकर सरकार बनाई थी और PM की कुर्सी पर BJP के अटल बिहारी वाजपेयी को बिठाया गया, लेकिन उनकी सरकार 13 दिन में ही गिर गई। इसके बाद दिल्ली के तमिलनाडु भवन में एक बैठक हुई जिसमें जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, CPM के हरकिशन सिंह और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु शामिल थे। उस बैठक के बारे में वरिष्ठ पत्रकार सुगत श्रीनिवास राजू अपनी किताब फरोज इन अ फील्ड द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द अनएक्सप्लोर्ड लाइफ ऑफ HD देवेगौड़ा में लिखते हैं, ज्योति बसु ने HD देवेगौड़ा को बुलाया और कहा, अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसका मतलब देवेगौड़ा को PM बनाना था। देवेगौड़ा ने चौंकते हुए कहा, सर मेरी पार्टी में और भी कई नेता हैं। लेकिन बसु ने उनकी बात दरकिनार करते हुए लालू से कहा,
आप फौरन इसका ऐलान करिए, क्योंकि बाहर पत्रकार इंतजार कर रहे हैं। अब दिव्य गौड़ा ये सब सुनकर परेशान हो गए। वो पीएम बनने से बचना चाहते थे। उन्होंने फिर ज्योति बसु को जोर देकर कहा, सर मैं 2 साल से कर्नाटक का सीएम हूँ, मेरा करियर अचानक खत्म हो जाएगा। कांग्रेस हमारी सरकार ज्यादा दिन चलने नहीं देगी। कांग्रेस ने चरण सिंह, वीपी सिंह और चंद्रशेखर के साथ क्या किया ये हम नहीं जानते हैं क्या? मुझे तो हिंदी भी नहीं आती और न ही मैंने पूरा देश घूमा है। आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपना मन बदल लें और किसी और को पीएम बना दें। कहा जाता है कि दिव्य गौड़ा ने पीएम ना बनने के लिए ज्योति बसु के पैर तक छू लिए थे, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने दिव्य गौड़ा को समझाया और बोले, क्या मैं बाहर जाके देश के लोगों से कहूं कि हमारे पास वाजपेयी का कोई सेक्युलर विकल्प नहीं है? आप हालात को समझिए, अगर आप नहीं मानेंगे तो लोगों को दिखाने के लिए हमारे पास कोई और चेहरा भी नहीं है। दरअसल साल 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। पहली बार कांग्रेस से ज्यादा यानी 161 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उस वक्त कांग्रेस को कुल 140 सीटें ही मिली थी। वही क्षेत्रीय दल उस साल किंग मेकर की भूमिका में रहे। सीपीएम, जनता दल, सपा, द्रमुक, तेलुगु देशम पार्टी समेत 13 दलों ने चुनाव के बाद मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाया था। इस मोर्चे को संयुक्त रूप से 165 सीटें मिली थी, जिनमें से जनता दल की 46 और सीपीएम की 32 सीटें भी थी। सत्ता का फेरबदल होता देख देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए नेताओं ने मंदिरों में माथा टेकना शुरू कर दिया था, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनने के बाद भी उनके बीच मतभेद होते रहे। तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने सबसे बड़े दल के तौर पर बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया। बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया तो वाम दल और संयुक्त मोर्चा के लिए कुछ नेता छिड़ गए। श्रीनिवास राजू लिखते हैं कि वाम दल के नेता सीताराम येचुरी के मुताबिक तब राष्ट्रपति और संयुक्त मोर्चा के डेलीगेशन के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। कॉमरेड हरकिशन सिंह ने कहा कि क्या हमने इसलिए आपको राष्ट्रपति बनाया है कि आप एक संघी सरकार को सत्ता मिलाएं? तमाम शोर और हंगामे के बीच 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी ने पीएम पद संभाला, लेकिन 13वें दिन ही इस्तीफा देना पड़ा। वाजपेयी की सरकार गिरते ही संयुक्त मोर्चे में प्रधानमंत्री और सरकार बनाने के लिए खींचतान शुरू हो गई। बताया जाता है कि संयुक्त मोर्चे की पहली पसंद वीपी सिंह थे, लेकिन बसु इससे नाखुश थे। दावा ये भी किया जाता है कि ज्योति बसु खुद भी पीएम बनना चाहते थे, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के लोग इसके खिलाफ थे। इसके अलावा संयुक्त मोर्चे में शामिल लालू यादव और मुलायम सिंह यादव एक दूसरे को पीएम नहीं बनने देना चाहते थे। दक्षिण भारत के नेता चंद्रबाबू नायडू, जी के मोपनार और एम करुणानिधि को दिल्ली की राजनीति में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए एचडी देवेगौड़ा सबसे बेहतर विकल्प के तौर पर नजर आने लगे थे, लिहाजा उन्हें पीएम बनाने की कवायद शुरू कर दी गई। वहीं कांग्रेस ने संयुक्त मोर्चे को सरकार से बाहर रहते हुए समर्थन देने का ऐलान कर दिया, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष रहे पीवी नरसिम्हा राव और दिव्य गौड़ा अच्छे दोस्त थे। दिव्य गौड़ा ने राव की अल्पमत की सरकार बचाने में मदद भी की थी। इस तरह संयुक्त मोर्चा और कांग्रेस के समर्थन से दिव्य गौड़ा को 318 सांसदों का साथ मिला। उनके पीएम बनने से पहले का एक किस्सा भी आपको बताते हैं। सीएम दिव्य गौड़ा के प्रधान सचिव एसएस मीनाक्षी सुंदरम अमेरिका से बेंगलुरु लौटे थे। उन्हें सीएम आवास बुलाया गया। सुंदरम को लगा कि निर्वाचित हुए प्रधानमंत्री ने राज्य के अधिकारियों के लिए विदाई रात्रि भोज का आयोजन किया होगा, लेकिन जब वो सीएम आवास पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। दिव्य गौड़ा की पत्नी चेन्नम्मा उनका इंतजार कर रही थी, वो काफी परेशान लग रही थी। सुंदरम के आते ही चेन्नम्मा ने कहा, दिव्य गौड़ा जी लंबे संघर्ष के बाद कर्नाटक के सीएम बने थे और अच्छा काम कर रहे थे, हम यहाँ खुश थे, लेकिन उन्होंने पीएम की जिम्मेदारी क्यों स्वीकार की? मैं और मेरा परिवार घबराया हुआ है, न हमें हिंदी आती है और न हम वहाँ किसी को जानते हैं, न जाने दिल्ली में हमारा क्या होगा। जब भी मैं दिल्ली के बारे में बात करती हूँ तो मुझे वो डरा देते हैं। अब उन्होंने दिल्ली जाने का मन बना ही लिया है तो मैं चाहती हूँ कि आप उनके साथ जाएं। दोनों के बीच में करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई, जिसके बाद वो डाइनिंग रूम में गए जहाँ दिव्य गौड़ा बैठे थे। दिव्य गौड़ा भी अंदर से जानते थे कि दिल्ली उन्हें ज्यादा रास नहीं आने वाली, इसलिए उन्होंने सुंदरम से कहा, कृपया आप पीएमओ में शामिल हो जाएं। हमारा कार्यकाल लंबा नहीं होगा, इसलिए अपना परिवार शिफ्ट मत करना, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, हम सिर्फ एक सूटकेस लेकर दिल्ली जाएंगे।
और इस तरह 1 जून 1996 को एचडी देवेगौड़ा ने दिल्ली आकर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके मंत्रिमंडल में सीपीएम के इंद्रजीत गुप्ता गृह मंत्री बने, कांग्रेस के पी चिदम्बरम वित्त मंत्री बने और मुलायम सिंह रक्षा मंत्री बने। इनके अलावा आईके गुजराल विदेश मंत्री, मुरासौली मारन उद्योग मंत्री और रामविलास पासवान रेल मंत्री बने। सीनियर जर्नलिस्ट रशीद किदवई अपनी किताब भारत के प्रधानमंत्री में लिखते हैं, आंतरिक दबाव और विरोधाभास के बावजूद देवेगौड़ा लगातार गरीब, किसान, मजदूर और गरीब वर्ग के लिए काम करते रहे। समाज के पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने कई विशेष योजनाएं बनवाई ताकि सरकारी योजना का लाभ हर वर्ग तक पहुंच सके। देवेगौड़ा ने सरकार बनने के बाद 1997-98 के बजट में बहुत से आर्थिक सुधार भी किए, लेकिन संयुक्त मोर्चा सरकार में बहुमत का गणित किसी भी किताबी गणित से कहीं ज्यादा मुश्किल था। सरकार को बचाने के लिए हर दिन नई लड़ाई लड़नी पड़ती थी। बताया जाता है कि पीएम रहते हुए भी देवेगौड़ा को अपनी कुर्सी बचाने के लिए बार बार दौड़ लगाकर बिहार भवन जाना पड़ता था, लेकिन किस्मत ने उनका कुछ साथ दिया और लालू यादव चारा घोटाले में फंस गए। अब घोटाले में नाम आया तो सीबीआई लालू से पूछताछ करना चाहती थी और इसके लिए पीएमओ से इजाजत मांग रही थी। दावा है कि उस वक्त लालू ने देवेगौड़ा से 5 मिनट मिलने का समय मांगा था, जिसके लिए उन्हें कई दिनों तक इंतजार करवाया गया। इस बात से लालू भड़के हुए थे। वहीं दूसरी तरफ 1997 में लालू से पूछताछ शुरू हो चुकी थी। ऐसे में एक दिन उन्होंने देवेगौड़ा को फोन लगाया और भड़कते हुए कहा कि आप जो करवा रहे हैं ये सब अच्छा नहीं है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लालू ने कहा कि षड्यंत्र ही करना है तो बीजेपी के साथ करिए, हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। फोन पर देवेगौड़ा ने लालू को अपनी बात बतानी चाही, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार न थे। वो पीएम देवेगौड़ा से इस कदर नाराज थे कि एक बार उन्होंने पीएम आवास में ही तंज कसते हुए कहा कि इसीलिए आपको प्रधानमंत्री बनाया था, तुमको पीएम बनाकर बहुत बड़ी गलती की हमने। इस पर देवेगौड़ा ने भी तल्ख भरे अंदाज में जवाब दिया, भारत सरकार और सीबीआई कोई जनता दल नहीं है जिसे अपनी मर्जी से जब चाहा भैंस की तरह हांक दिया। आप अपनी पार्टी को भैंस की तरह चलाते हैं, लेकिन मैं भारत सरकार चला रहा हूं। इसी तरह से उन्हें अपनी ईमानदारी की वजह से कांग्रेस की नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी। कुलदीप नैयर की किताब एक जिंदगी काफी नहीं में बताया गया है कि कांग्रेस का भी जल्द ही देवेगौड़ा से मोह भंग हो गया था और उन्हें हटाने के लिए वो तीसरे मोर्चे पर कोई नया नेता चुनने के लिए जोर डालने लगी थी। 22 जनवरी 1997 की बात है जब तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर जोगिंदर सिंह अपने साथ एक बॉक्स लाए जिसमें बोफोर्स से जुड़े कुछ दस्तावेज होने का अंदेशा था। हालांकि जांच में कभी बक्से वाले बोफोर्स दस्तावेजों का जिक्र तो नहीं हुआ, लेकिन इन आरोपों के चलते कांग्रेस में सरकार से समर्थन लेने की मांग उठने लगी। अब क्योंकि 1996 के चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के चलते नरसिम्हा राव को अध्यक्ष पद से हटाकर सीताराम केसरी को उनकी जगह बिठाया गया था और केसरी और देवेगौड़ा में हमेशा से 36 का आंकड़ा था, तो कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही सीताराम केसरी ने संयुक्त मोर्चे पर दबाव बनाया कि वो जल्द अपना पीएम बदल ले। सीनियर जर्नलिस्ट रशीद किदवई की माने तो कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी कई मामलों को लेकर देवेगौड़ा सरकार को दबाना चाहते थे। उन्हें तो सरकार के मंत्रियों की गाड़ियों के हूटर सायरन तक से दिक्कत थी। खैर, इन सभी नाराजगियों के बीच 11 अप्रैल 1997 को संसद में देवेगौड़ा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। हमेशा की तरह कांग्रेस ने सरकार गिराने के लिए अपना समर्थन वापस ले लिया और देवेगौड़ा सरकार अल्पमत में आ गई। देवेगौड़ा के पक्ष में 158 तो विरोध में 292 वोट पड़े, जबकि 6 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस मौके पर एचडी देवेगौड़ा ने कहा, ये मेरी नियति है, मैं मिट्टी से उठकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अपने राजनीतिक सफर में मैं अब तक 10 चुनावों का हिस्सा रहा हूँ। केसरी ने अब तक कितने चुनाव लड़े हैं बताइए। यहाँ जो कुछ हो रहा है उससे पता चलता है कि कांग्रेस और उसके अध्यक्ष की आज कोई कद्र नहीं है, कोई उन्हें पूछ नहीं रहा है। इसलिए सीताराम केसरी जल्दी में है कि किसी तरह मुझे यहाँ से रवाना किया जाए। और फिर उसी दिन एचडी देवेगौड़ा ने भारत के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वो सिर्फ 10 महीने तक ही पीएम की कुर्सी पर बैठ पाए थे। अब देश के कुछ पत्रकारों का मानना है कि देवेगौड़ा एक प्रधानमंत्री के रूप में किसी त्रासदी से कम नहीं थे। उन्होंने भारत के किसानों के लिए चमत्कार
दिखाने के दावे तो खूब किए, लेकिन वो अपने ही मसलों में उलझ कर रह गए। एच डी देवेगौड़ा साहब से जुड़ा एक और किस्सा काफी मशहूर है। बताया जाता है कि वो अक्सर मीटिंग्स में सो जाते थे। इस घटना के बारे में बताते हुए डीएलएफ के चेयरमैन केपी सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि देश की लगातार बिगड़ती अर्थव्यवस्था के बारे में बताने के लिए बड़े व्यापारियों का एक डेलीगेशन पीएम देवेगौड़ा से मिलने पहुंचा था। मीटिंग शुरू हुई तो उनके सामने एक प्रेजेंटेशन दिया गया। प्रेजेंटेशन पूरा हुआ तो लगा जैसे पीएम साहब कुछ सुन नहीं रहे हैं। तभी वो अचानक नींद से जगे और बोले, मुझे बहुत खुशी है कि देश की अर्थव्यवस्था ठीक ठाक चल रही है। तो ऐसे थे भारत के 11वें प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा। अगले एपिसोड में बात होगी देश के 12वें प्रधानमंत्री की। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।